हे गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। तो होप आप सब बढ़िया होगे। तो हाँ, आप सोच रहे हो मैं इतने टाइम बाद, तो मेरे 9th के एग्जाम्स हो चुके हैं ख़त्म, तो अब मैं हूँ टोटली फ्री। मेरी चल रही है अभी 9th और 10th के बीच वाली जो छुट्टी होती है वो चल रही है। तो हाँ, मेरे 10th शुरू होने वाली है, तो मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो मैं सोचा आप लोगों से थोड़ी बातें कर लेते हैं, क्योंकि आप लोग तो भाई ऐसे कमेंट्स देते हो और ऐसी ऐसी बातें बताते हो कि बस मज़ा आ जाता है। तो हाँ, आप लोग मेरे को सपोर्ट करना, और हाँ इस चैनल से जुड़े रहना, क्योंकि मैं बहुत मस्त मस्त वीडियो डालने जा रहा हूँ, पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो भी डालने वाला हूँ मैं। तो गाइस सबसे मज़े की बात तो मैं आपको बताता हूँ कि अभी मेरे को घर से फ़ोन आया था, मैंने नीचे वॉक करने आ रखा था थोड़ी देर, मैंने सोचा जरा खुली हवा में चलते हैं एग्ज़ाम्स के बाद। तो मम्मी ने मेरे को बताया मेरा 10th का बुक सेट आ चुका है, जो हमने प्री ऑर्डर पहले ही कर लिया था, तो मेरा बुक सेट आ चुका है। तो हाँ गाइस, घर जाके हम उसकी भी अनबॉक्सिंग करने वाले, तो आप तो भाई इस व्लॉग में ज़रूर बने रहना, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। और हाँ, मैं कोशिश करूँगा आपको एंटरटेन रखूँ पूरे व्लॉग में। तो हाँ, तो चल चलते हैं, जल्दी से घर चलेंगे और बुक सेट अपना खोलेंगे। तो चलो, आ चुका हूँ घर पे, और यहाँ पे आ चुका है हमारा सरप्राइज। सरप्राइज तो वैसे क्या ही, ये तो हमें पता ही है, हमारी बुक्स है। तो हाँ, तो अभी इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं जल्दी जल्दी से, क्योंकि मेरे से अब वेट नहीं हो रहा। वैसे नीरज अभी आया नहीं है 9th का रिजल्ट। कोई बात नहीं, मैं आ जाऊंगा 9th, मतलब 10th में। सबसे पहले हिंदी की किताब, ये हरी हरी सी बना रखी घास फूस जैसी। तो गाइस यहाँ पे आ चुकी हैं अपनी बुक्स, यहाँ पे सारी मैंने मेन बुक जो है वो निकाल ली है। ये रही मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 10, ये है हमारी NCERT, इसे इधर रख देते हैं। ये सेकेंडरी बुक RS अग्रवाल है, जो कि काफ़ी मोटी लग रही है। ये इंग्लिश की होगी मेरे ख्याल से, हाँ, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, तो हाँ ये भी पढ़ लेंगे। अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसे साइड रखो। ये क्या है, लैब मैनुअल, लेबोरेटरी साइंस, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, उल्टी आ रही। फालतू क्यों बोलते, इंडियन कंटेम्प्रेरी, लाल क्यों बना रखी है, डरावना सीन कर रहे दोनों। अरे हाँ, ये छूट गई थी गाइस, ये ज्योग्राफी की है, बचाओ। तो गाइस अपनी फेवरेट साइंस नहीं दिख रही है सेट में, वो मैं पढ़ रही थी। गाइस यहाँ पे आ चुकी है अपनी साइंस की NCERT, देख सकते नई नई बुक की कुछ बात ही अलग होती है। ये पढ़नी पड़ेगी सब। ये साल तो गाइस इन्हीं सारी किताबों के साथ बीतने वाला है, तो इनको अपना स्थान दे देते हैं जहाँ पे इन पे धूल नहीं पड़ेगी, इनको संभाला जाएगा। हाँ गाइस, जब तक आप व्लॉग में बने रहिए, मैं आपसे फिर मिलूंगा, इन्हें पहले मैं संभाल के आ जाता हूँ एक जगह पे, इतनी सारी फैल चुकी है ना, मम्मी मेरे को मारी। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। होप आप सब बढ़िया हो गए। तो अभी हो रहा है दिन का टाइम, तो मैं यहाँ पे नीचे थोड़ा घूमने आ रखा हूँ, और गोल्डी भी गाइस आपको यहीं पे दिख जाएगा, पार्क में खेलता हुआ, मतलब खेलता ही रहता है भाई, मतलब सही है उस, तो उसके तो एग्ज़ाम नहीं होता छोटी क्लास में अभी, तो सही है। तो मैं इसलिए यहाँ पे इसलिए घूम रहा हूँ, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स हो चुके हैं फिनिश टोटली, तो अब मैं फुल इन्जॉय मज़े कर सकता हूँ। तो हाँ, आपने सही समझा, तो चलो चलते हैं, और गोल्डी से भी मिल के आ जाते हैं, उससे मिला देता हूँ मैं आपको। सो गाइस, गोल्डी हमें मिल चुका है फाइनली, स्विंग्स में। और गोल्डी क्या हाल चाल, इतने टाइम बाद व्लॉग में, तो यहाँ झूले झूल रहे, छोटा बच्चा है यार। बचपन में मैं भी यही करता था, इसके नीचे से चढ़ता था ऊपर, टूट जाएगा ये तो। तो गाइस हम चलते हैं कहीं और। अच्छा गोल्डी, इतने टाइम बाद कैमरा उठा ही लिया, तो फिर एक शॉट भी बना देते। मुझे पता था गाइस गोल्डी नहीं आने वाला है, इसलिए मैंने उसके लिए जुगाड़ लगा था। चलो देखो, पता था लालच फंस जाता है, पर कोई बात नहीं, से तेरी भलाई भी हो रही है, पीने को तो मिल रहा है कम से कम कुछ, तो लालची आदमी है ना गाइस। जोक्स अपार्ट, अब शॉट बना लेते हैं, चल इधर बना ले, अच्छी लोकेशन लगा। सो गाइस, गोल्डी आ चुका है घर, और यहाँ पे मस्त आईपैड चल रहा है गोल्डी का, और यहाँ पे देखो मजा एंजॉय कर रहा है गोल्डी, सब साथ मजे तो मेरे ही हैं, बताने की जरूरत नहीं थी, हमें पता है। गोल्डी मजा को लिफ्ट उठाते हुए आईपैड देखते हुए, हमें पता है
बेइज्जती करता यार ये गंदा आदमी है। सो गाइज अभी हो रहे हैं लगभग 3:00 हो रहे हैं, अभी 3 बज रहे होंगे। तो हमने सोचा भाई चलते हैं बाहर, क्योंकि आज एक बहुत मस्त मौका, क्योंकि आज घर में यहाँ पे पूरे सोसाइटी में मेंटेनेंस ब्रेकडाउन हो रखा है, मतलब पानी वानी इलेक्ट्रिसिटी कुछ नहीं है। तो हमने सोचा गोल्डी कि हम जाएंगे मॉल। हाँ यहाँ से आ रहे होंगे पापा, इसलिए हम यहाँ पे खड़े हुए हैं। थार लेके आएंगे गोल्डी या इनोवा? थार लेके आएंगे। पक्का? पक्का, शर्ट लगा लो। क्या मांग रहा है? ओ आ गई है कि लाइट दिख रही है वहां से। मम्मी सही जगह पे खड़ी थी, पापा ने गाड़ी भी मम्मी के सामने लाके रोकी। चलो चलते हैं, टाइम आ देख सकते। तो गाइस अभी थार हो चुकी है वहाँ पे पार्क, और अब चल रहे हैं हम लोग मॉल, पहुँच चुके हैं मॉल यहाँ पे। चलो चलते हैं, यहाँ पे मम्मी और पापा जा रहे हैं, यहाँ पे हम दोनों जा रहे हैं। घूम रहे थे तभी हमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अपना कोड याद आया मॉल आने का, मॉल इक्वल टू आइसक्रीम। तो मॉल इक्वल टू आइसक्रीम वाला कोड याद आया, तो गोल्डी और मैंने सोचा चलो आइसक्रीम खा ही लेते हैं, और यहीं पे है बगल में। तो यहाँ पे मैकडॉनल्ड्स, पापा आइसक्रीम ले रहे हैं अभी। जल्दी पकड़ो भैया। अबे ये कहती टेढ़ी कौन है? ऐसे होता है। सो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं दूसरे मॉल जूते लेने। तो हाँ मेरे जूतों की हालत भी आप देख सकते हैं बहुत गंदी हो गई है, तो अब लेना जरूरी था। 80,000 के जूते नहीं लेने वाले हैं, देख सकते हैं छेद हो गए। तो हाँ चलते हैं। और घर में लॉल मूवमेंट हो रहा है मेरे साथ। तो गाइस अपने जूते ले लिए हमने, तो हाँ काफ़ी मज़ा आया और काफ़ी मेरे फिट भी सही आ रही थी, तो मैंने यही फाइनल कर लिए। वो मैं आपको घर जाके दिखा दूंगा वो कौन से वाले हैं। तो हाँ मैंने बहुत देर की ट्राइंग करी तब जाके मेरे को एक पसंद आए। तो हाँ अब चलते हैं घर। अच्छा गोल्डी इधर आइए जरा, कि गंदे गंदे जूते दिखा रहा था मेरे को लड़कियों के। देखो इसी से नए जूते लिए, इन्हीं से मारूंगा फेंक के, मिट्टी फेंक दूंगा, इतना दुख होगा ना। तो गाइस टाइम देख सकते हैं यहाँ पे, अभी बज रहे हैं 12:30, और यहाँ पे मैं कर रहा था थोड़ी सी पढ़ाई, मैथ्स कर रहा था मैं। तो हाँ जरा एक्सरसाइज देख रहा था कैसी है यहाँ की, ज़्यादा मुश्किल तो नहीं है। तो हाँ काफ़ी मज़ा आ रहा है, तो होप ये मज़ा पूरे साल बरकरार रहे, तब आएगा असली मज़ा। और सब सो रहे हैं तो मज़ा आते हैं, चिल्लाना तो बढ़िया रहेगा। तो हाँ तो अभी व्लॉग एंड कर देते हैं, तो मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय। कौन रात को उठ के पढ़ाई करता है कमेंट में बताओ। गाइस हम पहुंच चुके हैं एकदम जादू बजा के चुटकी से घर, जादू बजा के एक सेकंड। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं जादू से चुटकी में, चुटकी ये चुटकी भीम छोड़ दो। ये स्टार्टिंग में होता है क्रेज, बताना किस किस को ऐसा मन करता है बुक गंदी नहीं होनी चाहिए स्टार्टिंग में, और अगर एंड में आते आते तो इतनी घिचड़ विचड़ हो जाती है। तो हाँ कमेंट में बताना। जिंदगी का आनंद।